नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। खबर पंजाब के बटाला से है, जहां एक ओर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा देश की जनता के साथ रेडियो के जरिए मन की बात की गई, तो वहीं दूसरी ओर किसानों की तरफ से थालियां बजाकर केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ विरोध करते हुए अपनी मन की बात मोदी सरकार तक पहुँचाने की कोशिश की गई। बात करें बटाला के नजदीकी गाँव छीना रेल वाला की, तो वहाँ किसानों की तरफ से गाँव के नजदीक बन रहे अडानी ग्रुप के गोदामों का काम रोककर गोदामों को जाने वाले रास्ते पर दिन रात धरना प्रदर्शन शुरू किया गया। और आज पीएम मोदी के द्वारा जब देश की जनता से मन की बात की जा रही थी, तब इस धरने में मौजूद किसानों के द्वारा थालियां खड़खड़ाकर विरोध किया गया। इस मौके पर किसानों का कहना था कि मोदी मन की बात ना करे, देश के साथ काम की बात करे। उनका कहना था कि मन की बात कर देश की जनता का समय व्यर्थ ना करे। वहीं उनका कहना था कि आने वाले समय में इन कृषि कानूनों की वजह से किसानों की थालियां खाली हो जाएंगी, इसलिए थालियां खड़खड़ाकर मोदी को अपनी मन की बात सुनाना चाहते थे। मोदी को चेतावनी देते हुए किसानों ने कहा कि मोदी सरकार जब तक कृषि कानून वापस नहीं लेती, तब तक किसान मोदी सरकार और देश अडानी अंबानी जैसे कॉरपोरेट घरानों का विरोध जारी रहेगा। प्राइम न्यूज 24 के लिए जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट। जो अडानी अंबानी के जो इतने सैलो प्लांट पूरे हिंदुस्तान के बन रहे हैं, जोड़े कारपोरेट घराने अज वेचन जा रहे हैं ना खेती, ये तो इन्होंने सरकार की पहला ही नीति है। बिल हूँ लिया ने पहला ही तैयारी करी बैठे है, ये अज तो 3-4 साल पहला का प्लान बनना शुरू हो गया। यह विरोध करते हुए जो किसान जथेबंदियों ने हुक्म दिता सगा, जिहड़ियां 500 कुछ जथेबंदियां दिल्ली के बैठिया ने, उन्होंने हुक्म किया जिन्ना चिर मन की बात करता उन्ना चिर विरोध करना थालियां खड़का के। थालियां खड़का का मतलब यह है भी मन की बात करन लग पैंदा, काम की बात नहीं करता। जिहड़े किसान वीर पूरे हिंदुस्तान का किसान अज जिहड़ा सड़कां दे उत्ते रुल रहा, पर वह पीएम उत्थे दिल्ली दे विच बैठा मन की बात करी जांदा, उहदी सेहत ते कोई असर नहीं गा। यह सिर्फ उहदा विरोध करन दा हैगा सिलसिला। जिहड़े कारपोरेट घराणियां नूं जिस तरह उहने पर पहला भी सारा देश वेच दित्ता, उदां अज खेती सैक्टर नूं वेचण जा रहा वा उहनां दे हत्थां दे विच, इस करके उहदा असीं लगातार विरोध कर रहे हां। ना गल सुन वाली गल तो जी बहुत बेशर्मी वाली गल है प्रधानमंत्री की, क्योंकि जे उन्होंने वोटा पा के हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री बनाया गया तो उन्होंने लोगों ने ही बनाया, वो भुल गया शायद, वो एक कारपोरेट घराणिया के शायद बनया लगता। तो दूजी गल सब तो वड्डी जी तुहानूं मैं कहना चाहुंदा है कि 18,000 करोड़ रुपया ये पा के किसानों तो वड्डियां वड्डियां एडवरटाइजमेंटा कर रहा। इनू ये पुछे कि जदों तू विदेशों के यात्रा की गल वो बजट तू कि लोगों का नजायज डाया की गल, वो किसानों नहीं दे सकता तू, इदा इदा इन्हें व्डे व्डे जे चूने लाए सरकारी खजाना वो नहीं शो करते, तो जे किसानों 18,000 करोड़ दे के व्डिया व्डिया पोस्टर लाते, किसान ने अपना हक ही लिया है, कोई बाहरों नहीं लिया। इन्होंने को लगता कि आने वाले समय में जो कानून रद्द हो रद्द करने पैणगे, किसान डटे ने, सारे नौजवान जेडे पूरा संजोग दे रहे हैं इन्हों, कोई इदा की गल नहीं, ना करूगा तो कोई गल नहीं, इतने बैठे हाँ कोई गल नहीं। प्रोटेस्ट बहुत पीसफुल चल रहा दिल्ली च भी, इतने भी अं इतें भी इन्हों की राखी लिए बैठे हाँ। प्रशासन आ के इतने कहता कि तुम इतने बैठे जो कोई नुकसान होगा, अं ये कहना चाहते प्रशासन भी इतने सारे बैठे हाँ ताकि राखी लिए बैठे हाँ, कोई शरारती अंसर ताडा ही आ के इतने अग ला दे, कोई नुकसान कर दे, तुम किसानी संघर्ष में खराब करना वो अं हो नहीं देना, अं ताडी रक्षा लिए भी बैठे हाँ, अपना विरोध भी अं पूरा शांतमई तरीके कर रहे हैं।